आप देख रहे हैं News 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ News 21 और स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेकर किसानों का विरोध, 3 अक्टूबर को घरसाना में होगा महापड़ाव। रेलवे महाप्रबंधक ने लिया श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का जायजा, कहा सुरक्षा को लेकर रेलवे है पूरी तरह अलर्ट। श्री माधोपुर में सरकारी रास्ते हटाया गया अवैध कब्जा, तहसीलदार बैरवा के नेतृत्व में हटाया गया अतिक्रमण। पूर्व विधायक के वकील पर हुआ जानलेवा हमला, बार एसोसिएशन ने सागवाड़ा डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ सोमवार को श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का जायजा लेने आए। उन्होंने यहां अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित रेलवे स्टेशन में हो रहे निर्माण देखे और अधिकारियों से जानकारी ली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ ने कहा कि रेलवे सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। हाल ही में रेल लाइनों पर बाधाओं के कारणों से हादसों की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि रेलवे पूरी तरह से सजग और अलर्ट है। रेलवे के गैंगमैन और अन्य स्टाफ इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेल लाइंस पर नजर बनाए हुए हैं। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन का क्या कुछ रहा सर इसमें? अभी दौरा शुरू हुआ है जी, 8:30 बजे से हम लोगों ने गंगानगर स्टेशन का निरीक्षण शुरू किया है और यहाँ पे दौरे का जो मुख्य बिंदु है वो सेफ्टी है, यात्री सुविधाएं हैं और अमृत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे कैसे गंगानगर का विकास किया जाए, इस क्षेत्र का विकास किया जाए जिससे कि आने वाले 25 से 50 सालों का जो और ट्रैफिक आने वाला है उसको किस प्रकार से हम लोग हैंडल करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज निरीक्षण किया गया और निरीक्षण ये यहाँ से शुरू हुआ है, गंगानगर से हनुमानगढ़ सुनागढ़ होते हुए हम लोग टिकट लगे। खेरली थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार रात्रि को एक युवक नवीन जाट ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। 16 वर्षीय किशोरी ने वारदात से आहत होकर आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डीएसपी जोगेंद्र सिंह और थानाधिकारी महावीर प्रसाद मामले की जांच कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के शव परिजनों को सौंप दिया गया है, तो वहीं परिजनों ने SC ST Act, पोक्सो एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, एक भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसपे जांच पूरी तरीके से चल रही है। मामला डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं वैसे दर्ज हुआ है। रेप के अंदर पॉस्को SC ST और अबेटमेंट जो है उसके लिए हुआ है मुकदमा दर्ज। अबेटमेंट मतलब प्रोत्साहित करना किसी को कि वो सुसाइड कमिट करे, तो उन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी पकड़ा गया है? अभी जांच बिल्कुल जारी है। लड़की का पोस्टमार्टम करा के बॉडी को सुपुर्द किया जा रहा है। पहले डीडवाना शहर के शीतल कुंड बालाजी मंदिर रोड मार्ग पर स्थित श्रीराम मंदिर के सामने चल रहे भूमि विवाद पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को कुर्क कर दिया है। कुर्क करने के साथ ही उक्त भूमि का रिसीवर डीडवाना थाना अधिकारी को नियुक्त किया गया। कुर्क मामले को लेकर डीडवाना थाना अधिकारी नंदलाल रिंडवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच अभी जारी। उक्त भूमि पर थाना अधिकारी का बोर्ड लगवाकर भूमि को कब्जे में लिया गया। अनुसंधान के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हमारे पास ये जो श्री राम मंदिर के पास में 2 प्लॉट है उसको लिख के मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश हमारे द्वारा की जा रही है। इसी तफ्तीश के दरमियान वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिसको हमने मौके पे जाके रुकवाया और उसको रिसीवरी नियुक्त करने के लिए, ताकि कोई कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग नहीं हो और किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ पे SDM साहब को एप्लीकेशन देके उसको रिसीवरी नियुक्त करवाई है। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व MLA सुरेंद्र बामणिया परिवार के जमीनी विवाद के चलते चंदा बामणिया द्वारा पूर्व विधायक के वकील मयंक दोषी पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ। घटना की कड़ी निंदा करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश पाटीदार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अधिवक्ता मयंक दोषी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सागवाड़ा थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। बार एसोसिएशन ने DSP से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट।
आज हमारे सदियों का साथी मयंक दोषी जी के कल एक घटना उनके घर पर, कुछ लोगों ने वहाँ उनके घर पे हमला किया और यहाँ पे उनकी कंप्लेन पर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आज बार एसोसिएशन सागवाडा के सारे सम्मानित सदस्यों ने माननीय डिप्टी साहब से मिलकर के आग्रह किया है कि ये घटना जो है, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता रखता है और क्लाइंट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है। कभी कोई क्लाइंट इस वकील के तो कभी दूसरे वकील के पास जाता है, वो स्वतंत्र है और वो वकील की अपनी ड्यूटी है कि ईमानदारी से अपने जो क्लाइंट है उसकी पैरवी करें। जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में सिरोही जिले के बाडेली गांव में पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ। बता दें कि पैदल यात्री पाली जिले के नाडोल के आशापुरा माताजी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। संभाग के सह मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि सांसद के पैतृक गांव से जयकारों के साथ यात्रा संघ रवाना हुआ। पैदल यात्रा में महिलाओं व बच्चों सहित सैकड़ों श्रद्धालु उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। डिडवाना जिले के मौलासर कस्बे में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। घटना धनकोली रोड स्थित पकौड़ा तालाब के पास की बताई गई। पुलिस द्वारा 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहने के बाद नागौर की SDRF टीम को बुलाया। 2 घंटे की खोजबीन के बाद में बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मदनलाल साहू के रूप में हुई। फिलहाल शव को मौलासर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और पुलिस मामले में अपनी आगे की कार्रवाई भी कर रही है। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा सोमवार को श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक सुखमन सिंह जौहल ने बताया कि मेले में लगभग 1600 आशरार्थियों ने हिस्सा लिया। कुल 276 का प्रारंभिक रूप से चयन हुआ, जिसमें 148 का रोजगार के लिए, 51 का प्रशिक्षण के लिए और 77 का स्वरोजगार के लिए प्रारंभिक रूप से चयन हुआ। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। श्री माधोपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की अपनी निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई को लेकर चर्चित रहने वाले तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में आज राजस्व टीम द्वारा ग्राम पंचायत अरनिया के सरकारी रास्ते को JCB मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर रास्ता सुचारू किया गया। गौरतलब है कि उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवादी राजू यादव द्वारा UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा व नीमकथाना जिला कलेक्टर को अरनिया रात्रि चौपाल में शिकायत की गई थी। अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। 100 साल पुराना रास्ता था जिसके द्वारा जिस पर अतिक्रमण कर रखा था इन लोगों ने, और मैंने रात्रि चौपाल में जो कलेक्टर साहब को अप्लीकेशन भी दी थी इसके लिए और तहसीलदार जी महोदय से निवेदन करके 10-20 रोज जाके और 90 भी करवा के रास्ते को खाली करा रहा। ये पुराना गांव का आवागमन का रास्ता है, उससे ग्रामीणों को बहुत बाधा हो रही थी। जो रास्ता आज तहसीलदार महोदय ने बहुत बहुत कृपा करके साफ करवा रहे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत अरणिया में राजस्व रिकॉर्डिंग जो रास्ता था अतिक्रमण हटाने राजस्व से चालू किया जा रहा है। इस मामले में जिला कलेक्टर महोदय की रात्रि चौपाल में भी शिकायत आई थी, UDH मंत्री जी के पास शिकायत आई थी और उनका निस्तारण करने के लिए श्रीमान तहसीलदार जी अपनी टीम के साथ आज रास्ते को सुचारू रूप से चालू करें, इसके लिए तहसील प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरणिया गांव में ग्राम पंचायत के सहयोग से सरकारी रास्ते से तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उस रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में ग्रामीणों द्वारा माननीय UDH मंत्री और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नीमका थाना को अरणिया रात्रि चौपाल में शिकायत दी गई थी, जिस पर मेरे निर्देश की पालना में आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है। महिला और बाल विकास विभाग के तत्वावधान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत सप्तम पोषण महीने 1 से 30 सितंबर 2024 का जिला स्तरीय समापन समारोह सोमवार को श्रीगंगानगर के अग्नि विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के पोषण युक्त आहार का सेवन से संबंधित पोषण
तत्व हरी सब्जी और फल अंकुरित दाल आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एडीएम रीना छिम्पा द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गर्भवती महिलाओं को फलों की टोकरी देकर गोद भराई की रस्म निभाई गई। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। किसानों ने अनूपगढ़ व्यापार मंडल में आज एक अहम बैठक की। बैठक में किसानों ने कहा कि सिंचाई पानी प्रथम चरण के किसानों को चार में से दो समूह में पानी नहीं देते तो 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसान घड़साना उपखंड कार्यालय के समक्ष महापड़ाव होगा। किसान नेता राजू जाट ने कहा कि 2021 में पोंग डैम का लेवल 1355 फीट था, तब किसानों को 6 बार पानी मिला था। आज लेवल 10 फीट ज्यादा है लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा है। अनूपगढ़ से निशांत सतवाना की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।